नंबर 15 अगर आप देखें, वो कह रहा है एन इज अ ट्रेडर ऑन 1 अप्रैल सिंडीज अकाउंट इन एन्स लेजर। भाई लेजर किसका है? एन का। जिसका लेजर है वो हम है, सही, जिसका लेजर है वो हम है। हम एन है और सिंडी का अकाउंट हमारे लेजर में शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस। यार अगर सिंडी का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 520, इसका मतलब सिंडी हमारे लिए कौन है? सप्लायर है। सप्लायर या क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी। इसका मतलब बैलेंस शो रहा है क्रेडिट पे। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू प्लेस ड्यूरिंग अप्रैल, कौन कौन से ट्रांजेक्शन है? 2 ट्रांजेक्शन। रिक्वायरमेंट क्या है भाई? रिक्वायरमेंट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बैलेंस ऑन सिंडीज अकाउंट इन एन्स लेजर। हम एन है, हमारे लेजर में सिंडी के अकाउंट के बैलेंस के बारे में कौन सी बात सही है? यार आप बताएं, फर्स्ट को हम सिंडी को हमने कितने पैसे देने थे? 520 हमारे लिए लाइबिलिटी थी। एन रिटर्न गुड्स, यार अगर हम गुड्स रिटर्न कर देंगे सिंडी को तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? 520 हमने उसको देने थे और 30 की गुड्स हमने रिटर्न कर दी, तो उससे हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। आगे वो कह रहे हैं हम एन है, हमारा लेजर है, हम बॉट कर रहे हैं गुड्स, खरीद रहे हैं 210 की फ्रॉम सिंडी एंड पेड इन कैश। क्या एंट्री बनाएंगे? परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। यार अगर हमने उसी वक्त पैसे दे दिए तो हमारी लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी। सिंडी हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 520 हमने देने थे जिसमें से 30 की गुड्स रिटर्न कर दी। अब हमने कितने पैसे देने? अब हमने इसको पैसे देने 490। हम एन है और हमने सिंडी को देने 490। अब पढ़ते हैं ऑप्शंस। एन हम है, हम ओ कर रहे हैं सिंडी को 490, बात बिल्कुल सही है। हम एन है, हम ओ कर रहे हैं सिंडी को, एन ओ सिंडी 700, ये गलत है। सिंडी हमें ओ नहीं कर रही, हम ओ कर रहे हैं। तो आंसर क्या बन गया भाई? ए आंसर।